नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी के बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दरअसल शराब पीने से 5 लोगों की गई जान, इस वक्त का सबसे बड़ा खबर आपको बता रहे हैं। जी आपको बता रहे कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून के बाद में भी 5 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई। जहरीली शराब का सेवन करने से 5 लोगों की मौत, पूरी जानकारी 5 मिनट के अंदर विस्तार से। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि हिंदी का भी पेपर लीक हो गया, मैट्रिक की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गई है बिहार में। तो बिहार में दरअसल 10वीं की परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा को लेते हुए साफ तौर पे कहा कि मजाक बनकर रह गया है यह परीक्षा। वहीं आपको बताएंगे आज का सबसे बड़ा खबर, नीतीश सरकार के मंत्रियों से विपक्षी पार्टियों ने मांगा इस्तीफा, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग तेज। बताया जा रहा है कि दरअसल शिक्षा विभाग में लगातार घोटाले हो रहे हैं और लगातार संकेत मिल रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका को लेकर इस वक्त तक बेहद ही बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव इस दिन जेल से बाहर आ सकते हैं। तो बेहद ही बड़ी खबर है, अगर आप भी चाहते हैं लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों के बीच में आरजेडी ने साफ तौर पर आंदोलन करते हुए कहा कि सरकार या तो पेट्रोल और डीजल की रेटों को कम करें, नहीं तो 4-व्हीलर 2-व्हीलर पर बैन लगा दे। साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव एक बार फिर से बिहार में होने जा रहे हैं और चुनाव की समय सीमा को निर्धारित कर दिया गया है। बिहार में इस दिन से एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है, तो बेहद ही बड़ी खबर है, पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। सभी खबरों को एक एक विस्तार से बताएं, उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिए। आइए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें कि आए दिन लगातार शराब की मिलने की सिलसिला जारी है। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून है, सरकार ने साफ तौर पे सभी लोगों को, सरकारी अधिकारियों को, सरकारी अफसरों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि किसी के भी क्षेत्र से शराब ना मिले। लेकिन आप देखिए, यह मामला दरअसल मुजफ्फरपुर का है, अभी गोपालगंज का मामला साफ भी नहीं हुआ था तब तक मुजफ्फरपुर का मामला सामने आ गया। मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, एक ही घर के 2 व्यक्ति पति और पत्नी की शराब पीने से मौत हो गई। और परिजनों ने बताया कि मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस ने साफ तौर पे हमें डराया और धमकाया। तो बेहद बड़ा खबर है, आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि ये मामले साफ तौर पे खत्म करने के लिए डराने धमकाने की बात आ रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में शराब का मिलने का सिलसिला जारी है, अगर आपके यहाँ भी शराब मिलता है तो वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज जरूर करें और मुख्यमंत्री जी को यह बताएं कि बिहार में आज भी शराब मिल रहा है, संपूर्ण शराबबंदी कानून होने के बावजूद भी शराब आज भी बिहार के अंदर उसी तरीके से मिल रहा है। तो आपको बता दें कि दरअसल शराब का खेप बड़े बड़े पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी संपूर्ण शराबबंदी कानून को लागू करा पाना बड़ा ही कठिन रास्ता दिख रहा है, बहुत ही कठिन रास्ता ये चीजें दिख रही है। तो बेहद बड़ा खबर आपको बता रहे कि दरअसल शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई मुजफ्फरपुर में और 2 लोगों को गोपालगंज में मौत हो गई, और सरकारी अफसरों ने साफ तौर पर मामले को रफा दफा करने की कई तरीके से भरोसा दिया। तो बेहद ही बड़ी खबर है, आइए बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। दरअसल बिहार में पंचायती राज चुनाव के समय सीमा को निर्धारित कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार ऐतिहासिक और बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बड़े बदलाव के अंदर ईवीएम मशीनों पर साफ तौर पर इस बात का संकेत होगा कि वो जी हाँ किसी भी प्रकार से खराब ना हो। ईवीएम मशीनों की जांच की जाएगी और ईवीएम मशीनों से इस बार का चुनाव कराया जाएगा। बिहार के इतिहास में पहली बार पंचायती राज चुनाव में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल कराया जा रहा है और ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल से ग्रामीण जनता काफी खुश नजर आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि बिहार में ईवीएम मशीनों से राज्य पंचायती चुनाव को ना कराया जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पंचायती राज चुनाव ईवीएम मशीनों से ना हो तो कमेंट बॉक्स में नो ईवीएम लिखिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज
जरूर करें कि बिहार में पंचायती राज चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए या नहीं। अगर आप बैकवर्ड करते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में नो ईवीएम लिखें और वीडियो को लाइक करें। वहीं लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई थी और इसको लेकर इस वक्त एक बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजद समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। राजद के समर्थक जो है काफी मायूस थे लालू प्रसाद यादव के जमानत नहीं मिलने के कारण, मायूस। जी हां, आपको बता दें लोगों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी है। सब बड़ी खुशखबरी बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी लालू प्रसाद यादव को जेल से बाहर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपना समर्थन दर जरूर करें और बताएं कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आने चाहिए या नहीं। आपकी जानकारी के लिए दरअसल बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होनी है और यह सुनवाई 2 महीने बाद होगी। दरअसल लालू प्रसाद यादव के वकील ने जिस तरीके से भरोसा जताया था, उस भरोसे को लेते हुए वकील ने साफ तौर पर कहा कि 2 महीने बाद फिर से एक बार पिटीशन दायर की जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि आधी सजा की बात की जाएगी। आधी सजा कंप्लीट होने में 2 महीने का वक्त बचा था और ये 2 महीने लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा, जी हां, भारी दिन हो सकता है। तो लालू प्रसाद यादव की लगभग तेजी बढ़ रही है और लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका 2 महीने बाद इस पर सुनवाई होगी, तो ये बेहद ही बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव के लिए कुछ दिन और जो है जेल में बिताना पड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव के समर्थकों में काफी तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही थी। लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक है वो कई बार नाराज देखने को मिले, इस बात से वो नाराज थे कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाए, और कोर्ट से वो नाराज थे, यानी जो कोर्ट की रिजल्ट आया, कोर्ट के जो पिटीशन दायर थी उसे खारिज किया गया, इस तरीके से कई ऐसे समर्थक नाराज थे और समर्थकों ने लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर निकलवाने के लिए, जी आपको बता दें कि 1.5 लाख से ज्यादा आजादी पत्र भेजे थे, 1.5 लाख से ज्यादा आजादी पत्र भेजे थे। वहीं आज की एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों के बीच में इस वक्त एक बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में राजद समर्थकों ने गधे से अपने बाइक और कार को खिंचवाया, कहा कि बिहार में बनी सरकार पेट्रोल और डीजल समेत किसी चीज पर बोलने वाली नहीं है, क्योंकि यह सरकार बीजेपी की मजबूरी से चल रही है, बीजेपी के सहयोग से चल रही है और बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दे ऐसा हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के बातों से सहमत रहते हैं, लेकिन यही मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले जहां प्रधानमंत्री जी के बातों से सहमत नहीं रहा करते थे, लेकिन दल बदलू हैं, कई जगहों पे इन्होंने दल बदला और कई जगहों पे अपना मत बदला। तो बेहद ही बड़ी खबर है। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार समेत सभी देश में पेट्रोल और डीजल की दर कम हो, कीमत कम हो, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपना समर्थन दर्ज जरूर करें कि बिहार में और पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। राजद के लिए बेहद ही बड़ी खबर है। राजद ने साफ तौर पर ऐलान किया कि बिहार में आए दिन परीक्षाएं जो है उसकी पेपर लीक हो रही है। आज तो हद हो गया, जी आपको बता दें आज हिंदी का पेपर भी रद्द होने का बात आने लगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया कि बिहार की हिंदी की परीक्षाएं भी, जी आपको बता दें, लीक हो गई और पेपर लीक होने का मामला तेजस्वी यादव ने कैमरे के सामने आकर, मीडिया के कैमरे के सामने आकर इस बात को कबूल किया कि पूरी तरीके से यह पेपर लीक हो गया है। इस पेपर में पहले से कुछ नहीं था, फर्स्ट पाली का पेपर लीक होने की बात कही जा रही है, सेकंड पाली का पेपर लीक हो जाने की बात कर रही है। तेजस्वी यादव के साफ तौर पर यह अपील है कि बिहार में बिहार बोर्ड की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गई है, बिहार की यह परीक्षा मजाक के कारण और कुछ नहीं है। तो बेहद ही बड़ी खबर है आपके लिए और दरअसल राजद के लिए यह साफ तौर पर ऐलान है कि अब बिहार में हो रही परीक्षा को सरकार रद्द करे और शिक्षा मंत्री से, जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से इस्तीफा तुरंत के तुरंत लें, इस बार मामले की जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए। तो बेहद बड़ी खबर है और राजद जो है लगातार इस बात की मांग कर रहा है।
आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें कि वृद्धा पेंशन में एक बार फिर से बड़ा घोटाला का संकेत मिल रहा है। कई जगहों पे वृद्धा पेंशन की सही से जी आपको बता दें कि नियुक्ति नहीं होने के कारण बताया गया कि वृद्धा पेंशन कुछ लोगों को नहीं मिलता। वृद्धा पेंशन के लिए कई लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए लेकिन समय से ये वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। लोगों ने अपील किया कि वृद्धा पेंशन सरकार जल्दी से जल्दी इस मामले को जाँच करते हुए सभी लोगों को समय से लाए, क्योंकि वृद्धा पेंशन में कई जगहों पे जी आपको बता दें कि पैसे लेकर फॉर्म को भरे जा रहे हैं और फॉर्म को पैसे लेकर भरने की जो मामले सामने आए ये साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार की इस योजना के लिए जहां कोई ऐसे दंड नहीं है जहां पर ये लोग जाकर और अपनी जी आपको बता दें कि वृद्धा पेंशन के लिए सही से जो आयोजन कर सके। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि बिहार में अब सभी लोगों को घर दिया जाएगा, घर के पैसे सभी लोगों को मिलेंगे। अगर जिनका जमीन नहीं है तो जमीन का भी पैसा दिया जाएगा, आपको अपने पास से जितना मिलाकर जमीन लेना हो ले सकते हैं। तो सरकार ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि सभी लोगों को घर, वृद्धा पेंशन समेत राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए सभी लोगों को तत्पर रहने की जरूरत है। तो आज के तय वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।